Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the major perspective of sociology. So let's start. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अदर पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी जिनमें फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। वर्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है तजाद, यानी कि हम सिंपली इसको कह सकते हैं क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट। जब आप किसी के आर्ग्यूमेंट से डिसएग्रीमेंट शो करते हो तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज से आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं करते तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट था ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सी सोसाइटी एज एन एरिया ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है ना, ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? इनइक्वालिटी की वजह से। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास। उन दोनों के दरमियान कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अपर क्लास जो है उसके पास पावर होती है, अथॉरिटीज़ होती हैं और वो डोमिनेंट होती है, जबकि जो लोअर क्लास है उसको अपर क्लास एक्सप्लॉइट करती है। उन दोनों के दरमियान एक कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वजह से वो जो इनइक्वालिटी है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और चेंज आता है। यानी कि सोसाइटी में पहले इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशल चेंज का बाइस बनेगा। कार्ल मार्क्स का बेसिक फोकस यही था कि हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है क्लास डिफरेंस की वजह से। तो उन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिया, इट इज़ अ कॉम्पिटिशन ऑफ फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज पे लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन पाया जाता है। ये जो कंपटीशन है इसको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव स्टडी करता है। ये जो कंपटीशन है फिर यही इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। इट स्टडीज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर। हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव स्टडी करता है। इट इज़ अ मैक्रो लेवल स्टडी ऑफ सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरह सोसाइटी को ब्रॉडर लेवल पे या मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है। अनलाइक फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म, इट इज़ बेटर एट एक्सप्लेनिंग सोशल चेंज रादर देन सोशल स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हमने कहा था कि ये सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, कि सोसाइटी में हर काम प्रॉपर हो रहा है तो वो सोसाइटी की स्टेबिलिटी पे बात करता था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में कंपटीशन पाया जाता है और उस कंपटीशन की वजह से जो है सोशल चेंज आता है। तो बेसिकली ये सोशल चेंज पे फोकस करता है। अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के एग्ज़ाम्पल की तो हम इसमें फेमिनिज्म भी ले सकते हैं। फेमिनिज्म क्या है? इसमें जो है ख़वातीन कहती हैं कि हमें मर्दों के बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ, जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, उनके पास पावर अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो फीमेल जो है वो कहती हैं हमें भी उनके बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। फीमेल जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मेल और फीमेल के दरमियान, उनके राइट्स के दरमियान। तो ये सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें हम ले सकते हैं फैक्ट्री ओनर एंड वर्कर। फैक्ट्री के ऑनर और वर्कर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। वर्कर्स जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोडक्ट सेल करके फैक्ट्री ऑनर को प्रॉफिट होता है। अब जो फैक्ट्री का ऑनर है वो कम तनख्वाहों पे वर्कर्स से काम लेता है, सुबह से लेकर शाम तक वर्कर्स जो हैं वो कम तनख्वाहों पे काम करते हैं। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास के लोगों को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओनर और वर्कर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? इनइक्वालिटी की वजह से। जब वर्कर क्लास इतना काम कर रही है और उस काम की वजह से ही फैक्ट्री ओनर को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इनको कम तनख्वाहों पे रख के उनको एक्सप्लॉइट करती है। तो यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है इनइक्वालिटी की बेस पे।
नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक इंटरेक्शन. लव सिंबॉलिक लिया गया है वर्ड सिंबल से. और इंटरेक्शन क्या होता है? जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, या आपका कोई पर्टिकुलर बिहेवियर दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या एक्ट आउट करें आप किसी को, या फेस एक्सप्रेशन से कुछ शो करने की कोशिश करें और अगला बंदा भी आपको रिस्पॉन्स करे, तो ये होता है इंटरेक्शन. सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है कि सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्ट करना. ये पर्सपेक्टिव इस चीज़ को स्टडी करता है कि लोग किस तरह से सिंबल्स के थ्रू सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं. ये जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, हर्बर्ट ब्लमर इंट्रोड्यूस दिस टर्म. हर्बर्ट ब्लमर ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था. इट ब्रॉडली फोकसेस ऑन सोशल स्ट्रक्चर दैट शेप सोसाइटी. बेसिकली ये फोकस करता है सोशल स्ट्रक्चर पे जिसकी वजह से सोसाइटी जो है बनती है. इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग. सिंबॉलिक इंटरेक्शन में ना सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन पढ़ते हैं, बल्कि एक इंसान का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी जो सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है उसको हम स्टडी करते हैं. सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है इट इज़ माइक्रो लेवल स्टडीज बिकॉज इट फोकसेस ऑन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स विद इन सोसाइटी. ये माइक्रो लेवल स्टडी होती है क्योंकि ये फोकस करती है इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप्स पे विद इन सोसाइटी. सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको स्टडी हम करते हैं माइक्रो लेवल पे. इट वेरीज़ फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड सोसाइटी टू सोसाइटी. सिंबॉलिक इंटरेक्शन कल्चर टू कल्चर या सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है. एक सोसाइटी में अगर किसी सिंबल का मतलब पॉजिटिव है तो मे बी किसी और सोसाइटी में उसको नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता हो. तो हर सिंबल का मतलब हर सोसाइटी में सेम नहीं होता, हर सोसाइटी ने उसको डिफरेंट मीनिंग दिया होता है. तो सिंबल्स जो हैं ये वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर या सोसाइटी टू सोसाइटी. नेक्स्ट टू मेन फैक्ट्स हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन के. फर्स्ट, वी कैन कम्युनिकेट पीपल नॉन वर्बली बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फेस एक्सप्रेशंस. हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं नॉन वर्बली, सिंबल्स और फेस एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. बेसिक हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहता है कि हम लोगों से सिंबल्स और फेस एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. दी सिंबल्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग विच इज़ गिवन बाय सोसाइटी और कल्चर. सिंबल्स का बेसिकली खुद कोई मतलब नहीं होता, ये मीनिंगलेस होते हैं. इनको मतलब देने वाली सोसाइटी होती है या कल्चर. कोई भी कल्चर या सोसाइटी किसी स्पेसिफिक सिंबल को एक मीनिंग दे देती है, तो वो हम कहते हैं कि उस सिंबल का ये स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि सोसाइटी या कल्चर की तरफ से दिया जाता है. ये जो पर्सपेक्टिव है ये कहता है कि सोसाइटी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों के इंटरेक्शन को स्टडी करें. लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी होता है सोसाइटी को समझने के लिए, तो इसलिए सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसके तीन सेंट्रल आइडियाज़ हैं. फर्स्ट ये कि एक्शन डिपेंड्स अपॉन मीनिंग. जब कोई पर्सन एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है वो कहीं बहुत दूर से चल के आ रहा है और वो थका हुआ है और उसको सामने एक दरख्त नज़र आता है जो कि सायादार होता है, तो वो कुछ देर आराम करने के लिए उस सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाता है. फिर है समथिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर पीपल. अब एक और बंदा वहाँ से गुजर रहा है और वो उसने उस दरख्त को देखा है जो सायादार था, उस पर वो देखता है कि कुछ फल लगे हुए हैं, वो उन फलों के लिए उस दरख्त के पास जाता है. अब ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन दो लोग हैं और डिफरेंट मीनिंग्स के साथ उस चीज़ के पास गए हैं. एक सायादार दरख्त दे के गया साए के लिए, जबकि दूसरा जो है वो फूड के लिए. फिर मीनिंग कैन चेंज. अब वो जो पहला बंदा है साए के लिए बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको वहाँ जो है आंट्स यानी चूंटियाँ या कोई भी इंसेक्ट्स हैं वो उसको इरीटेट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, तो वो वहाँ से उठ के कहीं और चला जाएगा. यानी उसका वो मीनिंग चेंज हो गया. साया तो अभी भी वैसे ही है लेकिन वहाँ जाके जो उसका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो है उसने फिर अपना मीनिंग चेंज कर लिया. तो ये इसके तीन सेंट्रल आइडियाज़ थे. नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन की एग्जांपल्स की, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फ्लैग की.
हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है जो कि उसको सिंबलाइज करता है या रिप्रेजेंट करता है। हम अगर पाकिस्तान के फ्लैग की बात करें तो पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो दो कलर से मिलकर बना होता है, एक वाइट कलर और एक ग्रीन कलर। जो वाइट कलर होता है वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को शो करता है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो पाकिस्तान में मेजॉरिटीज़ या मुस्लिम्स को शो करता है। जबकि जो चांद सितारा है वो अमन की निशानी समझा जाता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो थंब अप करना होता है ये पाकिस्तान में इसको हम कहते हैं कि ये अप्रिसिएशन या गुड लक के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि यही थंब अप अगर आप जाके रशिया में करेंगे तो इसका मतलब इंसल्ट लिया जाएगा। यानी रशिया में थंब अप का मतलब इंसल्ट है, जबकि पाकिस्तान में थंब अप का मतलब क्या है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो या गुड लक बोल रहे हो या पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो सिंबल है पाकिस्तान में इस सिंबल को भी अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो पॉजिटिव वे में यूज़ कर की जाती है, जबकि ब्राज़ील में यही सिंबल इंसल्ट के लिए यूज़ की जाती है। और जो जापान है वहाँ यह सिंबल इसका मतलब होता है यू आर अ बिग ज़ीरो। यानी पाकिस्तान में इस सिंबल का मतलब पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है, जापान में इसको कहा जाता है यू आर अ बिग ज़ीरो, और ब्राज़ील में इसको इंसल्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। यानी अब सिंबल एक है लेकिन तीन कंट्रीज़ में इसके मीनिंग डिफरेंट हैं, तीनों ने अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है इस सिंबल को। फिर इसके अलावा बच्चे के सर पे हाथ फेरना पाकिस्तान में एक ब्लेसिंग समझा जाता है, जब कोई बड़ा किसी बच्चे के सर पे हाथ फेरता है तो इसको अच्छी बात समझी जाती है कि बड़ा जो है वो बच्चे को दुआ दे रहा है या प्यार दे रहा है। जबकि थाईलैंड में बच्चे के सर पे हाथ फेरना इट्स अ साइन ऑफ कर्ड, ये बुरा समझा जाता है थाईलैंड में कि कोई बड़ा किसी बच्चे के सर पे हाथ फेरे। यानी एक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हो आप लेकिन डिफरेंट सोसाइटीज़ में उसकी मीनिंग डिफरेंट है। अगर हम आज के लेक्चर को समराइज़ करें तो आज हमने दो पर्सपेक्टिव पढ़े, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सेकंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने दो क्लासेस के डिफरेंस की वजह से कहा कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है और उस इनइक्वालिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। बेसिक क्लास डिफरेंशिएशन की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है और ये पर्सपेक्टिव सोशल चेंज पे फोकस करती है। सेकेंड हमने देखा सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में हमने देखा कि हम किस तरह से नॉन वर्बली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं सिंबल्स को यूज़ करते हुए। इसके अलावा इसमें हमने देखा कि हर सोसाइटी जो है वो डिफरेंट सिंबल्स को डिफरेंट मीनिंग देती है, यह सोसाइटी टू सोसाइटी या कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। यह माइक्रो लेवल की स्टडी होती है जहाँ इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को स्मॉलर लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है। तो यह था आज का लेक्चर, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।